नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस यूपी की तस्वीर बदलने का है। प्रधानमंत्री के इसी सपने को पूरा करने के लिए सूबे की योगी सरकार जी जान से जुटती भी दिखाई दे रही। ताबड़तोड़ फैसलों के जरिए योगी सरकार जनता को यह मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो भी वादे सूबे की जनता से किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपने सरकारी आवास में यूपी के सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात की, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी सुबह सुबह हजरतगंज कोतवाली का निरीक्षण करने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। योगी आदित्यनाथ ने यह भी साफ कर दिया कि यह कोई पहला और आखिरी निरीक्षण नहीं है, वो आगे भी इसी तरह औचक निरीक्षण करते रहेंगे। उधर मुख्यमंत्री के साथ साथ उनका मंत्रिमंडल भी पूरे एक्शन मोड में दिख रहा है। मंत्री जहां खुद हाथों में झाड़ू थामकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दे रहे हैं, वहीं पुरानी सरकार के कामों की जांच की तैयारी भी की जा रही। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया कि पिछली सरकार पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उन पर अगर जांच की जरूरत होती है तो सरकार इसमें पीछे नहीं हटेगी। यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री ने जो सुशासन लाने की बात कही थी, उस रास्ते पर आदित्यनाथ योगी और उनकी कैबिनेट चल पड़ी। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ये एक्शन क्या कुछ कहता है, आज लोकतंत्र में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यहां उत्तर प्रदेश की नई सरकार एक्शन में है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी धड़ाधड़ बैठक कर प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश दे रहे हैं। अफसरों को कमर कसने की नसीहत दी जा रही है। दूसरी ओर पिछली सरकार की फाइलें खोलने की तैयारी भी की जा रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जांच की बात कही। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का सबसे ज्यादा जोर सुशासन पर था और अब चुनौती भी इसी को पूरा करने की। दिल्ली के अपने सरकारी निवास में यूपी के बीजेपी सांसदों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाश्ते पर मुलाकात की, तो लखनऊ के हजरतगंज थाने में सीएम आदित्यनाथ योगी के औचक निरीक्षण ने पुलिस कर्मियों को हैरान कर दिया। ये पहला निरीक्षण और अंतिम नहीं है, एक शुरुआत है। आप देखेंगे हर स्तर पर एक सुधार दिखाई देगा और उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज लागू होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी आवश्यक होगा, उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम लोग वह कदम उठाने में हिचकेंगे नहीं। उधर शपथ लेने के बाद सीएम योगी के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल लगातार एक्शन में दिख रहा है। योगी के मंत्री खुद झाड़ू लगा रहे हैं, तो योगी गंदगी को लेकर प्रशासन को झाड़ पिला रहे हैं। यही नहीं, अब पुरानी सरकार के कामों की भी जांच की तैयारी हो रही है। यूपी में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे प्रचार के दौरान भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया था। अब योगी सरकार भी उस पर अमल करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ संकेत दिए हैं कि अखिलेश सरकार के दौरान किए गए कई फैसले जल्द ही जांच के दायरे में आ सकते हैं। 14 वर्षों में अगर यूपी के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो विकास के पथ पर यूपी इतना पीछे नहीं छूट गया होता। भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए विकास नहीं हुआ है। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको जांचेंगे भी, भविष्य में भ्रष्टाचार मुक्त विकास हो, इसके लिए स्पष्ट तौर से सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति समेत तमाम मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, और अब नई सरकार ऐसे मामलों की जांच कराने की बात कहकर ये पुख्ता करने की कोशिश की है कि सरकार अपने वादों से पीछे नहीं हटेगी। पीएम मोदी यूपी में सुशासन की बात कह चुके हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी भी इसी राह पर चलते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक का ये एक्शन बहुत कुछ बता रहा है। सवाल यहाँ तक उठने लगे हैं कि क्या इन तस्वीरों में 2019 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों का रंग भी छुपा हुआ है। पीएम और सीएम ये संदेश देने में जुट चुके हैं कि दोनों मिलकर यूपी और देश को बदलने की राह पर निकल चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस यूपी की तस्वीर और तकदीर को बदलने का है, और प्रधानमंत्री के इसी सपने को पूरा करने के लिए सूबे की योगी सरकार अब जी जान से जुटती भी दिखाई दे रही है। ताबड़तोड़ फैसलों के जरिए योगी सरकार जनता तक ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जो भी वादे सूबे की जनता से किए गए हैं, उन वादों को पूरा करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। ये क्या इशारे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के मेहमानों से।
मेरे साथ नोएडा स्टूडियो से घनेन्द्र भारद्वाज जी हैं, आप कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। घनेन्द्र जी बहुत स्वागत है आपका। लखनऊ से चार खास मेहमान जुड़े हैं, अमित पुरी साहब हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अमित जी बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार जी हमारे साथ हैं, उनसे हम समझेंगे कि ये इशारे आखिर क्या कुछ संकेत देते हैं। अजय कुमार जी आपका भी बहुत स्वागत। संजीव मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, संजीव श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही हरिशंकर पांडे जी हैं, आप रिटायर्ड आईएएस हैं, सर बहुत स्वागत है आपका भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। शुरुआत अजय कुमार जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जिस तरह की कवायद देखने को मिल रही है, ये संकेत क्या इशारा कर रहे हैं? अक्षय, देखिए मैं हमेशा से कहता आया हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई। 325 सीटें जो जीती हैं वो मोदी के नाम पर जीती हैं। जब चुनाव प्रचार के दौरान या मतदान के दौरान हम लोग जाते थे, लोगों से पूछते थे किसको वोट दिया, बोले मोदी को वोट दिया। कहाँ दिया? मोदी को वोट दिया। तो आप ये निश्चित है कि यहाँ मोदी और योगी, अब मोदी का ही परिलक्षित योगी आ गए हैं, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि मोदी के नाम पर यह चुनाव हुआ है और 2019 लक्ष्य है, इसलिए एक एक चीज की मॉनिटरिंग दिल्ली से होगी, किस तरह के अधिकारी कैसे कहां पोस्ट करें। वहां भी बैठे हुए हैं नृपेंद्र मिश्रा जी, उनसे भी सलाह लेकर के सारी चीजें होंगी। और योगी आदित्यनाथ ने शुरू भी कर दिया, जिस तरीके से उन्होंने कल सचिवालय में जा करके उनके सिक्योरिटी वाले कह रहे थे साहब इधर चले, कहे इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, पान की पीक कहाँ थी, क्या क्या चीजें उन्होंने देखी। और जब चौथे तल पर पहुंचे एनएक्सी के, देखिए एनएक्सी का उद्घाटन 1982 में किया था वीपी सिंह ने, और तब से जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए केवल पंचम तल पर जाते थे, चले आते थे। लेकिन ये एक पहले मुख्यमंत्री हैं, या एक बार बहुगुणा जी जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और वो मुख्य भवन में बैठते थे मुख्यमंत्री की हैसियत से, तो सारे विभागों में जा करके उन्होंने देखा था और एक भय व्याप्त हो गया। आज योगी जी एक थाने पे गए, मुझे 1967 याद आ रहा है अक्षय, जब चौधरी चरण सिंह कपड़ा ओढ़ करके थाने पे जाते थे, गाड़ी दूर छोड़ देते थे, और तब भय बन गया था पुलिस के अंदर। आज जब गए हैं तो मैंने तो अभी देखा है एक फोटोग्राफ में, वहां एक दरोगा जी ने कल्याण पुस्तक निकाल करके अपने सामने रख ली जिसमें भगवान राम की मूर्ति बनी थी। अब इस तरह से परिवर्तन पुलिस वाले भी करने लगेंगे। तो मेरा कहना है कि जिस तरह की बातें हो रही हैं, आज एक मंत्री ने कहा है कि जो पुराने मामले हैं उसकी जांच कराई जाएगी। मुझे 2012 के वो दिन भी याद है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनाव प्रचार हो रहा था और शिवपाल सिंह यादव अध्यक्ष की हैसियत से कहते थे हमारी सरकार बनने दो, मायावती के खिलाफ जांच का आयोग बनाएंगे। और फिर परीक्षण 4 महीने 3 महीने अगर कोई सरकार पुरानी होती उसके परीक्षण की प्रक्रिया है। अब ये सारी चीजें हैं फॉर्म पर, योगी और मोदी दोनों हैं सारा, और योगी हट योगी है। हट योगी से साथ साथ मैं तो एक बात कहता हूं कि पार्टी का डंडा वही रह गया है, झंडा बदल गया। गाड़ियों पर आप देख लीजिए हूटर झंडे बदल गए हैं, डंडा उसमें वही लगा है। इस व्यवस्था में भी मैं अक्षय में चाहता हूं परिवर्तन हो, कार्यकर्ताओं के अंदर संयम आवे, वो किसी प्रकार के उपद्रव या थानों पर भेदभाव की बात ना हो। मैं बताऊंगा आरटीआई के जरिए मेरे पास बहुत सी सूचनाएं हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि जो यानी आपको लगता है कि बदलाव के कुछ संकेत जिन्हें शुरुआती संकेत कहा जा सकता है वो अब दिखाई देने लगे हैं, ये बदलाव के संकेत संजीव मिश्रा जी आप लोगों ने भी महसूस किया क्या? देखिए अभी शुरुआत है और ठीक है, अच्छी शुरुआत हो रही है और थाने में जा रहे हैं 75 जनपद हैं, समझता हूँ कि सभी थानों में जाए मुख्यमंत्री जी तो वहाँ देखें कि कहाँ कैसे क्या काम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और उप मुख्यमंत्री जी भी जो दो दो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी जाएं, और ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि जहाँ अच्छा अगर सरकारें करती हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ विपक्ष के की भूमिका में हैं, और मैं समझता हूँ कि ऐसे समय में निश्चित रूप से ये ठीक कर रहे हैं। हाँ, जहाँ जनता के जो वादे किए हुए हैं निश्चित रूप से अभी जो पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ होना है वो सब भी करते हैं, अच्छी बात है, हम सरकार के साथ हैं। हाँ, जनता के हितों को अगर नहीं देखा जाएगा, जो कि
उप मुख्यमंत्री भी हैं अक्षय, उन्होंने कहा कि पुरानी फाइलें खंगाली जाएंगी और जो भ्रष्टाचार के आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगे थे, जरूरत पड़ती है तो उनमें भी जांच में गुरेज नहीं होगा। ये ठीक पहल है ना? तो इसमें दिक्कत क्या है? बिल्कुल साफ सी बात है, इसमें इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है किसी भी पक्ष को समस्या नहीं होनी चाहिए, उन्हें देखना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद कभी भविष्य में कोई और सरकारें आएंगी, वो इनका देखेंगी। ये तो एक परंपरा है, मुझे लगता है कि ये एक अच्छी परंपरा है। ये भी जांच करें और इसके बाद जो सरकारें आए वो इनकी जांच करें, ये एक अच्छी नीति है मुझे लगता है। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि परंपरा का निर्वहन हो रहा है, जो परंपरा का निर्वहन समाजवादी पार्टी ने किया उसी का निर्वहन अब जो कमिटमेंट है वो पार्टी की सरकार भी कर रही है। ठीक है, अब बहुत वक्त है, हम लगातार चर्चा करेंगे क्योंकि तमाम बातें हैं जो सामने आ रही हैं, ताबड़तोड़ फैसले भी किए जा रहे हैं। हरिशंकर पांडे जी, वही प्रशासन, वही अधिकारी, वही पुलिसकर्मी, इतना आक्रामक मूड कहां से आ गया? देखिए अक्षय जी, जो आज की सबसे अच्छी और बड़ी खबर है, जिसमें केशव मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश किया है या निर्णय लिया है जी, कि वो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे की जांच कराएंगे। और ये निर्णय प्रथम दृष्टया ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ये चीजें पता थी कि जो जिस काम के नाम पर जिसका प्रचार किया जा रहा था वो उसकी बुनियाद बहुत ही कमजोर है। और इस तथ्य की पुष्टि कतिपय साक्ष्यों से हो चुकी है, जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से वो तथ्य केशव प्रसाद मौर्य जी के सामने जा चुके हैं, जिनमें ये पता चल गया है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे में भारी घोटाला किया गया है। और ये घोटाला इतने बड़े स्तर का है जिसकी कल्पना यहां की जनता शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो इसकी डेलिकेसीज को नहीं समझती जी। इसमें कम से कम 10 या 15 जिलाधिकारी ऐसे हैं जो संदेह के घेरे में आएंगे, जिन्होंने अंतिम समय में उन क्षेत्रों के सर्किल रेट को बढ़ने नहीं दिया जी। और जमीनें जो है, जब किसानों से जिलाधिकारियों ने अफसरों के रिश्तेदारों के या नेताओं के रिश्तेदारों को खरीदवा दी, उसके बाद तब जो है उसका रेट रिवीजन हुआ है, और रेट रिवीजन के बाद उनको भारी कंपनसेशन दिया गया है। एक तो भ्रष्टाचार का मामला यह है, और दूसरा ठेकों के आवंटन में सरकार की और सड़क की गुणवत्ता के मामले में जो भी हुआ है वो सब खुलकर सामने आएगा। और इसमें अखिलेश सरकार ही नहीं बल्कि उनके कई नेता, अफसर और तमाम ऐसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस गांव, इस रोड के आसपास रहते थे, वे सभी जांच के घेरे में आएंगे। और हम आपको ये तथ्य और भी बताना चाहते हैं कि इनको पता था कि इस रास्ते से एक्सप्रेसवे निकलेगा, इसलिए लोगों ने मंडी स्थापित करने के लिए अपना स्थल, कोई व्यापारिक स्थल बनाने के लिए भोले भाले किसानों से औने पौने दामों पर जमीनें खरीद ली थी। यानी आपको लगता है कि अपने चहेतों को कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने के लिए प्रयास किए गए थे, और अब जो संकेत मिल रहे हैं कि अब ये तमाम फाइलें खोली जाएंगी और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद जो भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी भी हो सकती है। गणेंद्र भारद्वाज जी, अच्छा अक्षर जी, एक तथ्य और आपको बताना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है। केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय मंत्री जी, जिन्होंने ये कार्य शुरू किया है वो उनको बहुत बहुत बधाई है, और वो स्वागत योग्य है उनका निर्णय, लेकिन वो तभी इसमें सफल हो पाएंगे जब वो ब्यूरोक्रेसी से अलग हटकर, जैसे आप देखते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ मामलों में दोनों पक्षों से अलग हटकर एमिकस क्यूरी की सहायता लेता है जी, मतलब उन विशेषज्ञों की जो किसी से संबद्ध नहीं है जी। तो केशव मौर्य साहब को ये चाहिए कि इस बड़े घोटाले की जांच के लिए वो उन विशेषज्ञों की सलाह ले जिन्हें सारे विभागों की जानकारी हो, न केवल पीडब्ल्यूडी की, ठीक है, बल्कि संस्थागत वित्त की या अन्य विभागों, ठीक है। गणेंद्र भारद्वाज जी, सोशल मीडिया पर कई तरह के जुमले भी खूब इस वक्त चल रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ को अनिल कपूर की भूमिका में दिखाया जा रहा है कि ये तो नायक फिल्म के अनिल कपूर बन गए। आपको भी संकेत कुछ लग रहे हैं क्या उस तरह के? देखिए अक्षय जी, अभी 3-4 दिन हुए, सरकार का इतना बड़ा आकलन जो है 4 दिन में नहीं किया जा सकता। अभी सरकार आई है
अभी तो कल कैबिनेट का बंटवारा हुआ है, अभी तो लोगों ने जाके दफ्तर में चार्ज लिया है मंत्रियों ने, अभी सरकार की आउटपुट निकलना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से हरिशंकर पांडे जी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी अपनी अकोमोडेशन सरकार में खोज रहे हैं। ये खुद ही पुलिस बन गए, खुद ही जज बन गए, सारा फैसला इन्होंने यहाँ पे बैठे बैठे दे दिया कि किसको जमीन मिली, किसने घोटाला करा। अरे सरकार आइए जांच करवाए, जो आदमी गलत होगा, जिसने गलत काम करा होगा, उसको जेल में जाने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हरिशंकर पांडे जी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं, पांडे जी आप जैसे लोगों को शोभा नहीं देता। नहीं, अगर आपको नहीं लग रहा है, बात इन्होंने तो सारी जजमेंट सुना दी कि जमीन उन्होंने ले ली, अपने कार्यकर्ताओं को दिला दी, मंडी लगा दी, उन पे जांच करवाओ, उस पे 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। भरद्वाज जी वो सुबह की बात कर रहे हैं, वो सबूत की बात कर रहे हैं कि उनके पास सबूत है। नहीं, सबूत है तो आप जाइए ना, एफआईआर करवाइए, आपको किसने रोका? अगर आपके पास सबूत है, आप इंतजार किस बात का कर रहे हो? आप जाओ थाने में एफआईआर करवाओ, थाने वाले एफआईआर नहीं लिखते अगर योगी राज में भी, तो आप कोर्ट में जाओ, आपको रोका किसने? लेकिन सारी चीजें आप टेलीविजन पे ही सारे फैसले ले लोगे, ये तो कोई तरसंगत नहीं है कि आप टेलीविजन डिबेट में सारे तथ्य लेके आ रहे हो। अगर आपके पास तथ्य है, आप एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हो, आपको थाने में जाके एफआईआर करवानी चाहिए। ठीक है, यहां पे की डिबेट की वेट कर रहे हैं आप। जो ध्यान अभी अक्षय जी आपने जो बोला योगी साहब के लिए, योगी साहब के आने से दो चीजें तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में राइट्स नहीं होंगे, क्योंकि क्राइम करने वाले और राइट्स करवाने वाले तमाम लोग अब सरकार में भागीदार बन गए हैं। अब राइट्स और क्राइम जो है उत्तर प्रदेश से गायब नजर आएगा, क्योंकि तमाम लोग जो राइट्स करवाते थे और जो क्राइम करवाते थे वो सारे के सारे सरकार में शामिल हो गए हैं। इसलिए अभी बहुत जल्दी से आकलन करना इस सरकार का ठीक नहीं है, और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लग रहा है कि सरकार बदले की भावना से कार्रवाई करेगी, और विरोधियों के ऊपर इस तरीके का काम करने का भाजपा का एक पुराना इतिहास रहा है। भाजपा जब जब सरकार में आती है तो विद्वेष से बदले की भावना से विरोधियों पर कार्रवाई करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने इनको जनमत दिया है, और हम विश्वास करते हैं और विश्वास चाहते भी हैं सरकार से कि सरकार निष्पक्ष रूप से उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, जवाब ले किसानों के लिए, अगर कोई भी अच्छा काम करेगी तो ठीक है, विपक्ष के नाते हम इन सरकार के साथ रहेंगे, लेकिन अगर बदले की भावना से कार्रवाई की गई तो उत्तर प्रदेश के तमाम विपक्षी दल सड़कों पर आकर इस सरकार का विरोध करेंगे। ठीक है, अब जवाब ले लीजिए पुरी साहब जी। देखिए, मैंने अक्रॉस द बोर्ड इंडिपेंडेंट वॉइसेस को भी सुना, पॉलिटिकल वॉइसेस को भी सुना, और इंडिपेंडेंट वॉइसेस को पॉलिटिकल वॉइसेस में कन्वर्ट करने की जो एक हड़बड़ी थी वो भी देखी। लेकिन कुछ चीजें बुनियादी होती हैं, वो बदलती नहीं है, क्योंकि इतिहास इतिहास ही होता है। ये जो 27 साल बेहाल वाले लोग थे, जिन्होंने 7 हफ्ते के लिए अपना ब्रीफ जो है वो ताखे पे रख दिया था ऊपर उठा करके, और आज बड़ी शिद्दत के साथ 27 साल के साथ अपने को जोड़े हुए हैं, अच्छी बात है, स्वागत है, जोड़े रहना भी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश जानता है कि जो जेल भेजने का एक गेम चलता था ना उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्रीय दलों का, और कांग्रेस बारी बारी उनकी पीठ के ऊपर हाथ रखती थी, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर्स, तो वो उस खेल के अंदर लोगों ने देखा कि 2017 के चुनाव में जाते जाते सीबीसीआईडी ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब के केस में और एक और केस में, और ये वो केसेस थे जिसमें उम्मीद की साइकिल ने 2012 में वादा किया था कि सुबह उत्तर प्रदेश की हुकूमत मिलने के बाद हम एक नई तरीके से उत्तर प्रदेश का प्रशासन चलाएंगे, और खड़े बैठे हाथियों की जो करतूत है उसको जेल के अंदर भेज करके ही दम लेंगे। और उसी पार्टी की सरकार ने अपनी सीबीसीआईडी से कहा कि ये लिख करके दो, और वो लिखा भी गया कि इन दोनों मंत्रियों की इनकम गलत एसेस की गई है, वो कम एसेस की गई है, इनकम इनकी ज्यादा है और खर्चे इनके ज्यादा एसेस किए गए, इनके खर्चे कम है। अमित पुरी जी छोड़िए ना, जनादेश सामने आ चुका है, अमित पुरी जी जनादेश सामने आ चुका है, अब चुनौती आपकी सरकार के सामने है। जो शंकाएं ये जाहिर की जा रही हैं कि सरकार नहीं बोर्ड पर चल रहा है, मैं रेलिवेंस के साथ बात कर रहा हूँ जी, आपने मुझसे उत्तर पूछा है, आपने मुझसे उत्तर पूछा जी, मैं उत्तर दे रहा हूँ। एक सवाल इसमें और जोड़ रहे हैं, जो भारद्वाज जी की आशंका है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि
बदले की भावना के तहत कार्रवाई ना हो इस बात का सरकार ख्याल हिरासत करती थी पुलिस, यहाँ हैसियत देख के हिरासत करती थी पुलिस। नहीं, बदले की भावना को लेकर जो कार्रवाई की बात कही जा रही है कि बदले की भावना पूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रहेगा ना। अक्षय, एक लाइन की बात कह दूं कि हम लोकतंत्र के अंदर लोक जनादेश के गर्व से निकली हुई सत्ता है और हम किसी विद्वेष की भावना के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन अपराधी को छोड़ेंगे भी नहीं और निरअपराधी को छेड़ेंगे भी नहीं। लेकिन जांच नहीं होगी, पंचम तल में जो फाइलें खनन घोटाले की पड़ी हुई थी कई दिनों से लोकायुक्त की जांच की, कोई बताएगा कि वो पंचम तल में कौन सा दर्शनाभिलाषी आरएसवीपी बनी हुई थी फाइलें, क्या कर रहे थे उससे पांडारी यादव? नाम लेकर के कहूंगा तो मैं नाम लेकर के हाइप नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश जानता है कि वह पंचम तल में फाइलें आरएसवीपी बनी हुई क्यों रखी थी, और इसीलिए मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर हैसियत देखकर हिरासत होती थी और उत्तर प्रदेश की यूपीपी को दो हिस्सों में बांटा गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस सियासत और उत्तर प्रदेश पुलिस हिफाजत। जो हिफाजत में थे एटीएस एसटीएफ और सिक्योरिटी में, वो डीएफ की पोस्टिंग में जाना नहीं चाहते थे, और जो उत्तर प्रदेश पुलिस सियासत के अधिकारी थे वो डीएफ की पोस्टिंग के लिए कोई भी समझौता करने से पीछे नहीं हटे। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है। ठीक है, हरिशंकर पांडे जी, अमित पुरी साहब की बातों में कितनी सच्चाई? अमित पुरी साहब की बात में पूरी सच्चाई है, और हम आपको एक तथ्य और भी बता दें उसमें, और भी उसकी पुष्टि करते हुए कि कोई ऐसी सरकार नहीं होगी सिवाय समाजवादी पार्टी की सरकार के जिसने हत्यारों को एसपी का चार्ज लगातार 5 बार दिया है, जिसके ऊपर सीबीआई की रिपोर्ट हो, हत्या का अपराधी हो, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने उसको उसको अपराधी घोषित किया हो और उसके ऊपर मुकदमा चलाए जाने का आदेश दिया हो, उसके बावजूद सपा सरकार ने उसको वो बचाते रहे, उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलने दिया और अपील पे अपील करते रहे, और उस लड़के का बाप रोता रहा जिसकी जवानी में ही उसको मौत के घाट उतारा गया, और आप देखिए कि उस आईपीएस अफसर को 18 और पुलिस वाले तो जेल में हैं, लेकिन वो आईपीएस अफसर पिछले 8 जिलों का चार्ज वो संभाल चुका, वर्तमान में वो जिलाधिकारी मेरठ है, वो एसएसपी मेरठ है। क्या यही न्याय है? क्या यही निष्पक्षता है कि एक हत्या आरोपी को, हत्या के अपराधी को, जिसको सुप्रीम कोर्ट तक ने डिक्लेयर कर दिया हो कि इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्या वो जिले के चार्ज से हटाए जाने लायक नहीं है? जवाब दीजिए संजीव मिश्रा जी। जो केशव प्रसाद मौर्य जी, आऊंगा सर मैं आपके पास, और क्या लेना चाहिए पांडे जी को? नहीं सर, जवाब दे दीजिए आप, पांडे जी के पास और भी कुछ तथ्य हो। हाँ मैं दूंगा जवाब, इसीलिए आया हूँ। देखिए, एक चीज मैंने देखी, सरकार तो मैंने तो शुरू में ही कहा कि बहुत, अभी 2-3-4 दिन ही हुए, तो अभी इस पर क्या आकलन करना है? सर पूत के पांव दिखते हैं ना इस समय। अब अक्षय जी मुझको भी कह लेना दीजिए, पूत के पांव तो हम आने वाले समय में और भी दिखाएंगे और देखेंगे भी, और आप भी देखेंगे। पूत के पांव ही नहीं, पूतना भी दिखेगी, सब दिखाएंगे। पूत के पांव ही नहीं, पूतना भी दिखेगी। ठीक है, पूतना भी दिखाइए, सब कुछ दिखाइए, वो हमें मालूम है कि कितनी बड़ी पूतना आप दिखाओगे। जनता को बहुत दिन दिखा लिया, थोड़े दिन रुक जाओ, कुछ दिखाओ, खाली चैनल पे वो दिख जाएगा। 4 दिन अभी हुए, जिन्होंने ईवीएम की लाइन लगाई, मैं आपके पास आऊंगा, माना था उसमें उलट जाएगा, उन्हें पता लग गया। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। संजीव मिश्रा जी, अपनी बात पूरी कीजिए, अगर कुछ कहना हो कह लीजिए, तो मैं अपनी बात रखूं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है अक्षय, जिस तरीके से मैंने देखा कि 3-4 दिन में जो अधिकारी पोस्ट पे हैं, वो तो नंबर बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो तो बूचड़ खाने को भी ऐसे सील कर रहे हैं, जो 2 महीने पहले अगर बंद भी हो गया था उस पर भी सील कर दिया जा करके उन्होंने, और उस पर भी दिखा दिया कि देखिए मैंने नंबर बढ़ा लिए, मैंने बूचड़ खाने को सील कर लिया। ये आदत लगी कहां से संजीव मिश्रा जी? काम आने वाला है। अभी तो मुख्यमंत्री जी ने कोई आदेश ही नहीं उस चीज का दिया था जिसके जिसकी मैंने देखा टेलीविजन पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से एंटी रोमियो के मामले में नौजवानों को किस तरीके से प्रताड़ित भी किया जा रहा है, हम वो भी देख रहे हैं, और हम ये भी देख रहे हैं। वर्तमान पदाधिकारी तो छोड़िए, अधिकारियों को, जो पूर्व अधिकारी हैं
वो भी नंबर बढ़ाने में कहीं कोई कमी नहीं रख रहे, मुझे लगता है उनको भी राज्यसभा विधान परिषद दिखाई दे रहा है। अजय कुमार जी, इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? एक ब्रेक के लिए रुकना है, इस पर एक कमेंट आपका बनता है। मेरे पास सारी लिस्ट है, ये परंपरा की शुरुआत कहां से हुई कि ये नंबर गेम जो है बढ़ाने का? खाली चैनल पे बैठने से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, ठीक है संजीव मिश्रा। शुरुआत 1989 से हुई, 1989 से इस परंपरा की शुरुआत हुई कि जब एक जात के लोगों को अच्छी अच्छी प्राइस पोस्टिंग दी गई। और यही नहीं, बीच में एक समय ऐसा आया जब यहाँ कल्याण सिंह ने इस नौकरशाही के बारे में एक शब्द का प्रयोग किया था कि ये बेलगाम नौकरशाही उसी घुड़सवार के काबू में आ सकती है जिसकी रानों में जान हो और रास खींचने की ताकत हो। ये जान जोगी जी में नजर आती है अजय कुमार जी? निश्चित रूप से, मैं इसलिए कहता हूं कि अभी एक आईएएस ऑफिसर की बेटी का विवाह था 4 दिन पहले जी। और वहां अच्छे अच्छे आईएएस ऑफिसर थे, और जब ये उन्होंने सुना कि योगी जी 3 बजे उठ जाते हैं, नहा धोने के बाद 4 बजे वो घंटी बजाना शुरू कर देते हैं, फिर आ करके वो अपने ट्रस्ट का, ये जो योगी आदित्यनाथ का वो है, उसका हिसाब किताब देखना और लोगों को फोन खनखना करके बात करना, और उनकी दिनचर्या 5 बजे से शुरू हो जाती। मुलायम सिंह यादव भी यहाँ थे, 5 बजे दिनचर्या शुरू करते थे, अफसर को बुला लेते थे और फील्ड में 5 चक्कर लगाते थे। लेकिन एक चीज मैं अच्छे बता दूं, एक दुखद पहलू ये रहा जी कि जो आदमी सुप्रीम कोर्ट से सजा पाया रहा हो वो 2 साल तक अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी बना बैठा रहा हो। और यादव सिंह जैसे लोग, ये सारी चीजें थी, लेकिन कोई आवाज 27 साल यूपी बिहार वाले भी अब उसको अच्छा कहने लगे। मैं केवल ये कहता हूं कि अगर झंडा बदल जाए, डंडा बदल जाए, इन वर्कर्स को भी, इस पार्टी के वर्कर्स को भी अपने में नियंत्रण करना होगा। उनके आगे मैं तो बताऊं कि पंचम तल में पिछले 1 वर्ष का मैंने जो रिकॉर्ड आरटीआई से निकलाया है कि जनप्रतिनिधियों, विधायकों, मंत्रियों, इनके प्रार्थना पत्र में किस किस तरह की सिफारिशें होती थी, क्या चाहते थे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 53% ऐसे होते थे जिसमें होता था अमुक अधिकारी बहुत अच्छा है, ये हमारी जात का है, इसको हमारे क्षेत्र में डीएम बना दीजिए, इस तरह की। और विकास की जो होती थी वो मात्र 5%, जिसमें ये हैंडपंप लगा दीजिए, सड़क बना दीजिए, मुकदमा वापसी, क्रिमिनल वापसी के 3% प्रार्थना पत्र आते थे। तो ये स्थिति थी, जनप्रतिनिधियों को भी अपने में सुधार लाना चाहिए और योगी जी को इस पर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने जिन तमाम बातों का जिक्र किया है, ये पूरी लिस्ट है हमारे पास, इस पर संजीव मिश्रा जी से भी जवाब तो लेंगे ही, साथ ही अमित पुरी साहब से भी जानेंगे कि एजेंडा सरकार का जो है कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी है, और जो वादे किए हैं वो वादे तो कम से कम हर हाल में पूरे करने ही हैं, क्योंकि 2019 का सवाल भी जुड़ा हुआ है। अमित पुरी साहब, मैं आपके पास आता हूं, तमाम वादे आप लोगों ने किए हैं, जैसा अभी संजीव मिश्रा जी ने भी कहा कि इंतजार करना चाहिए, अभी तो 3-4 दिन की शुरुआत है, जो वादे किए उनको पूरा करने में वक्त भी काफी लगेगा, लेकिन जो प्रायोरिटी में थे, किसानों का कर्ज माफ उसको कीजिए, और बूचा खानों को लेकर जो कार्रवाई हो रही है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अक्षय, है क्या इस सरकार के ने काम करना शुरू किया और 2 बातों पर तुरंत एनेटमी शुरू हो गई, और मैं एनेटमी को भी बुना नहीं मानता, मेडिकल साइंस के अंदर एनेटमी अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आगे मेडिकल साइंस का एडवांसमेंट नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश जिस रोग से ग्रस्त है उसके लिए कांग्रेस और इनके सहयोगी दलों का एनेटमी करना भी जरूरी है। कोई कह रहा है साहब इसका नाम रोमियो क्यों रखा, मजनू क्यों रखा, और ये तो प्यार करने वालों को पकड़ा जा रहा है, उधर बूचड़ खाने किसी जाति विशेष धर्म विशेष के खिलाफ बीजेपी का अल्लाह बोल है। मैं एक ही लाइन में इनसे कहना चाहता हूं कि भैया प्यार को प्यार ही रहने दो, उसे कोई नाम न दो, और अपराध को प्यार का नाम दे करके इल्जाम न दो, अपराधियों को उनके सही कंक्लूजन तक पहुंचने दो। और ये बूचड़ खानों के मसले जो हैं, जो आप कह रहे हैं कि ये तो क्लोज थे और पहले ताला लग गया था और ये हो गया था और वो हो गया था, अरे उत्तर प्रदेश की समस्या ये थी कि यहां जो अवैध था वही वैध था, और जो वैध था वो बेचारा तरस रहा था,
अगर इतने सारे काम आपने कर लिए थे तो जनता ने इन पे भरोसा क्यों नहीं किया? तिरवा के आगे एक्सप्रेसवे अंडरपास से जाता है, बनाई नहीं, हम लगातार कह रहे थे। एनएच की सड़क जो सहारनपुर के पास है उसकी एफआईआर अब जाकर के स्टेट अथॉरिटी ने कराई है, पैसा विड्रॉ हो गया, काम अभी तक हुआ नहीं। तो ये जो काम बोल रहा था ये उत्तर प्रदेश की जनता ने माना कि ये किस तरह का काम बोल रहा था, और हम इनको आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हमने जो कुछ घोषणा पत्र में कहा है, क्योंकि लोकतंत्र में कोई सरकार पट्टा लिखा के नहीं आती, अगर जन विश्वास पर हमने कुछ नहीं, लेकिन एक, एक अमित भाई साहब, जो एक डर के वातावरण की बात कही जा रही है, इस डर को भी तो खत्म होना चाहिए। नहीं आ रहे, आ रहे उसमें भी आ रहे, ये एक सेम पॉलिटिकल रिहाट्रिक है। जब मोदी सरकार ने काम करना शुरू किया तो इस देश में एक अवार्ड वापसी ब्रिगेड चली आई थी, उसने यही इंटॉलरेंस का माहौल देश में बनाया और कहा बस चुनाव हो जाने दो, ईवीएम से निकलेगा अवार्ड वापसी के पक्ष में निर्णय और ये सब उड़ा दिए जाएंगे, ये असहिष्ण लोग हैं। हम तो लोकतंत्र में डिबेट करने को तैयार थे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, आइए लोकतंत्र में आप हमको टेक एंड टू टास्क लीजिए, ये विपक्ष का धर्म है, आलोचना निर्मम हो, कड़ी हो, कड़वी हो, हम सुनने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन मौत का सौदागर और खून की दलाली ये मुद्दों की आलोचना नहीं है, ये निजी व्यक्तिगत आक्षेप है, ठीक है, अजय कुमार जी फिर ये बातें सब कहां से आ जाती हैं? लेकिन आइए देश के लिए आगे बढ़िए। मुस्लिम समुदाय को सीधा सीधा हम तो नाम लेके कह रहे हैं कि सीधे सीधे ये संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि अब तो उनके साथ बड़ी नाइंसाफी होगी, कौन लोग हैं जो इस तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, अब देखिए ये बात तो 2014 के चुनाव से ही लोगों ने कहनी शुरू कर दी थी। उन्होंने एक कहने लगे साहब एक पार्टी तो अपने 73 जिता ले गई, एक पार्टी अपने 5 जिता ले गई, एक पार्टी थी वो 2 जिता ले गई, हम लोग तो एक भी नहीं जीते, जो 8 या 9 सांसद अल्पसंख्यक के जाते थे वो नहीं जा पाए। लेकिन अब ठीक है, किस तरह से है, किस बात है, टिकट नहीं दिए, नहीं जीते वो है, लेकिन इस बार इतनी आबादी होते हुए भी ऐसी जगहों से जहां मुस्लिम आबादी अधिक थी वहां भारतीय जनता पार्टी के देवबंद जैसे क्षेत्र से जीते, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात का भरोसा आ रहा है कि कहीं एक बार इनको देख के देखो, एक बार इनको टेस्ट करके देखो। अब कुछ लोग हैं उस वर्ग में, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये नहीं चाहते कि ये आवे, इसलिए वो उस तरह की बात करते हैं, लेकिन सबका साथ सबका विकास का मोदी का ये नारा चला है, लोगों ने समझा है, और इसीलिए कहीं कोई ऐसे भेदभाव की बात अगर सामने आएगी तो ये लोग बेनकाब होंगे, निश्चित रूप से समय देना चाहिए और समय के साथ साथ इसको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है भारद्वाज जी, वो कौन से संकेत आपको नजर आते हैं जो आप लोग इतना डर महसूस कर रहे हैं कि भाई किसी के साथ ना इंसाफी ना हो, निर्दोष लोगों को ना फंसाया जाए, ये डर क्यों? देखिए अक्षय कुमार जी, हमारा जो डर है ना, हमारा डर नहीं है ये हमारी एक चिंता है लोकतंत्र को लेके, क्योंकि जिस तरीके का भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड योगी आदित्यनाथ का रहा है, जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड संगीत सोम का रहा है, जिस तरीके का ट्रैक रिकॉर्ड सुरेश राणा का रहा है, जिस तरीके के लोग इनकी कैबिनेट में है और जो लोग सरकार चला रहे हैं, हमारी सिर्फ जो चिंता है उन लोगों को लेके है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जिन्होंने कोशिश करी है। आपको क्या लगता है जो मुजफ्फरनगर राइट से लेकर कैराना तक जिन्होंने लोगों को भरकाया, आज यही लोग पूरे वेस्टर्न यूपी में पूरी एक फौज तैयार हो गई है, जहां जहां मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहां लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। मेरी सिर्फ चिंता इस बात को लेके कि आपने जो सबका साथ सबका विकास की बात करी है, आप उस एजेंडे पे चलिए, आप किसी कम्युनिटी को तंग करने की कोशिश मत कीजिए। नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, हम यही तो जान रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जिस तरीके से जब से इनकी सरकार बनी है और जो इनके छुटवैये नेता है संगीत सोम सुरेश राणा टाइप के, इन लोगों ने जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सांप्रदायिक उन्माद भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में जाके लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप अपना काम मंदा धंधा बंद कर दो, आप यहाँ से पलायन कर लो, अगर आप नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा। संजीव मिश्रा जी, ये स्थितियां हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया, हमारी चिंता से आरोप लगा रहे हैं, ये स्थितियां हैं क्या? मेरी मेरी अक्षय जी, मैं आपके पास, मैं अमित पुरी जी से सिर्फ यही विश्वास चाहता हूँ कि आप सरकार की तरफ से आज इस डिबेट पे विश्वास देकर जाइए
कि आपकी सरकार विश्वास के लिए क्या कदम उठाना होगा, ये सुझाव तो दीजिए भारद्वाज जी, मतलब विश्वास बढ़े। धर्मेंद्र जी, हम एक ही बात आपको कह के जा रहे हैं, सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए, हम किसी अपराधी को, चाहे वो एसपी त्यागी टाइप का होगा, वो चॉपर और हेलीकॉप्टर वाला जिनको आप बचाते रहे, वो बचने वाला नहीं है। इसके लिए हम कोई एमिनिटी ग्रांट नहीं करेंगे, लेकिन कोई निर्दोष कहीं पर फंसने वाला नहीं। ठीक है संजीव मिश्रा जी, सर पांडे जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। देखिए साफ सी बात है, अभी तो 3-4 दिन की सरकार हुई है, लेकिन घमंड बोलने लग गया, मुझे तो लगता है इतना ज्यादा कि लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके के लोग आ गए। हमने तो इतना कहा ही नहीं ये तो वादा था संजय मिश्रा जी, संजय मिश्रा जी ये तो वादा था, आने दीजिए मुझे, जो इस बार सर सुन तो लीजिए, सवाल तो सुन लीजिए, ये तो वादा था बीजेपी ने जो इस बार किया, 2012 के पहले आप लोगों ने वादा किया था कि हम भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह होगी, सलाखों के पीछे, कितने लोग सलाखों के पीछे गए, लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अब ये तो मैंने 2014 में भी सुना था, ये 2G 3G 4G जीजा जी इटली और फिटली ये सब अंदर चले जाएंगे, कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, परेशान ना हो। और जो बात जब काम नहीं करते तो क्यों नहीं कर रहे, काम होते होते कार्रवाई होती है तो कहते हैं क्यों हो रही है। ठीक है अमित पुरी साहब, जवाब आप लोगों को 5 साल तक देना है, अब सवाल सुनने की भी आदत डालिए। घमंड के साथ विचलित भी है, कोई घमंड नहीं है। इन्हीं 4 दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी में जेल नहीं बनी, लेकिन कैदी नए नहीं है, जेल तो नहीं बना दी गई। ठीक है ठीक है, कैदी नए नहीं है। अमित पुरी जी सवाल तो सुन लीजिए, विपक्षी पार्टी है, आपने जेलें कितनी बना दी, कितने कैदी क्या कर दिए, हम आने वाले समय में देखेंगे। हम आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन जो कमिटमेंट है ईमानदारी से कि पहली कैबिनेट रात के 12 नहीं बजेंगे, किसानों का कर्जा पूरा माफ होगा, अब तो कहीं सुनते हैं कि वो छोटे किसान और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, किसानों का कर्जा माफ करिए, ये अच्छी बात है, हम आपके साथ हैं, हम सरकार के साथ हैं, वो बेरोजगारों को बढ़िया तरीके से नौकरियां दे दीजिए, 1 साल में 2 करोड़ दे रहे थे, इधर भी 70-75 लाख कुछ कहा है आपने, 3.5 करोड़ तो खाली मुद्रा लोन से रोजगार के अवसर होना बता रहा है, वो जिसका आपने विरोध किया, लोगों ने रिस्पॉन्ड कर दिया, रोजगार मिले कि नहीं मिले। दरअसल में समस्या यही हो जाती है कि जो नहीं पॉलिटिकल ब्रीफ के नैरेटिव पे गलत बयानी नहीं हो सकती, अपने अपने समय पर बोला करिए। पूरी साहब सवाल तो पूरा हो जाने दीजिए, आप तो उस क्लास में पढ़ाने वाले, आप उस क्लास में पढ़ाने वाले हो जो बच्चों को नहीं बोलने देते हो, मुझे लग रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ डिबेट में बैठो तो कम से कम सुनो भी तो दूसरे। ठीक है संजीव, अगर जोर जोर से बोलने लग जाओगे तो बहुत लाखों जनता जो देख रही है समझ नहीं पा रहा। ठीक है अमित पुरी साहब, समझ नहीं, संजीव मिश्रा जी अपनी बात पूरी समय बताएगा, ये विपक्ष में जो लोग जब बैठते थे ना तमाम आरोप लगाया करते थे, अब सत्ता पे आए हो, अब देखेंगे हम भी कि कितना आपने किसानों को कर्जा माफ कर दिया, कितना आपने बेरोजगारों को नौकरी दे दी, ये ओला और उबर में जो ड्राइवरों की नौकरी अगर अपनी बताओगे ये काम नहीं चलेगा। ईमानदारी से भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियां दो, ये जो बेरोजगार है ये फिर माफ नहीं करेगा। मैं तो आपसे केवल निवेदन कर रहा हूँ, अभी 4 दिन की आपकी सरकार है, जरा आने वाले समय में 2-4 महीने बाद बैठेंगे तो फिर विषय में बात करेंगे, कितने आपने कद्दू में तीर मारा, लेकिन इतना जरूर है ईमानदारी से जो आपने लोगों को कमिटमेंट किया है उसको जरा पूरा करिए, क्योंकि अभी पहली कैबिनेट ही नहीं हो पा रही, अभी तो विभाग बटे ये सब नहीं, जरा 12 बजे तब ये हो रहा था, उस पर आइए और उस पर आइए, और हम स्वस्थ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, अगर जनता के हितों का काम होगा सरकार के साथ खड़े होंगे, और अगर चले बिल्कुल बिल्कुल संजीव मिश्रा जी बहुत अच्छी बात आपने ये कही है, हम जनता के भी साथ खड़े होंगे, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपको कहीं जाना भी है, लेकिन एक यक्ष प्रश्न है जो लोगों के जहन में चल रहा है, सोशल मीडिया में भी खूब चल रहा है, सवाल ये कि अभी तक एक ये सवाल था कि भाई कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, अब एक सवाल ये बड़ा जोर शोर से चल रहा है जिसका जवाब लोग जानना चाह रहे हैं कि नेताजी मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी के कान में क्या कहा, कुछ जानकारी है क्या आप लोगों को? अक्षय जी ये तो या तो मोदी जी बताएंगे या नेताजी बताएंगे। चलिए बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये चूंकि उनके अपने कान में जो भी बात हुई है ये हम आप कैसे बता सकते हैं, ईमानदारी की बात। बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आकलन नहीं लगा सकते उसको मैं समझता हूँ उचित नहीं। ठीक है बहुत शुक्रिया संजीव मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पांडे जी मैं आपके पास आता हूँ, काफी देर से आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, साथ ही जो एक सबसे अहम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विकास के काम, हालांकि पिछली सरकार की तरफ से कहा जाता था कि काम बोलता है, हमने जितना विकास का काम किया उससे पहले कभी नहीं हुआ,
ये बात भी सही है कि अखिलेश सरकार ने विकास के कई काम किए हैं, भले ही वो योजनाएं ठीक ढंग से अमल में ना आ पाई हों, योजनाएं बेहतर थी इस बात को लोगों ने भी स्वीकार किया। इसके पीछे बड़ी वजह आप ब्यूरोक्रेसी नहीं मान रहे हैं कि अधिकारीगण अगर शायद अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से करते तो शायद आज तस्वीर थोड़ी उलट होती। देखिए अक्षय जी, हम एक बात ये बताना चाह रहे हैं कि अभी एक हमारे सहयोगी थे, उन्होंने ये प्रश्न उठाया था कि उसको लेकर मुसलमानों में और अल्पसंख्यकों में किसी तरह का डर है या कुछ है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि मेरी पोस्टिंग गोरखपुर में 11 वर्षों तक रही है जी। मैं योगी जी की कार्य प्रणाली तथा इनके पहले महंत अवैधनाथ जी की कार्य प्रणाली से पूरी तरह से परिचित हूँ, क्योंकि मैं वहां रहा हूँ। मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पूर्वांचल में कोई दंगा कभी हुआ नहीं, और जो 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 गोरखपुर किसी समय माफियाओं का गढ़ माना जाता था, महंत योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद आप जाकर देखिए, वहां पर ये सब चीजें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। नहीं तो इसमें सर एक सवाल भी तो उठेगा उनसे पांडे जी, इसमें एक सवाल ये भी तो उठेगा कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार पूरे राज्य के अलग अलग इलाकों में चल रही थी, गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की अलग से सत्ता थी? नहीं चल नहीं रही थी। ऐसा था, देखिए योगी आदित्यनाथ के पास सत्ता की कोई सत्ता या सम्मान की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि जो गोरखपीठ है उसको न तो पैसे की जरूरत थी कभी और न किसी के सहायता की जरूरत थी। उनके यहाँ दरबार कहिए या उनके यहाँ दर्शन करने आने वाले व्यक्ति अगर अपने सबसे बड़े महंत से कोई प्रार्थना करते हैं तो योगी आदित्यनाथ ने कभी भेद नहीं किया था। आपको ये भी जानकारी होगी कि उन्होंने अपने गोरखनाथ मंदिर के आसपास की तमाम दुकानें मुसलमानों को दी हैं। आज भी मुसलमान वहां रहते हैं। वहां पे अनुसूचित जाति और उच्च जाति के अंदर जो भेद था उसको भी समाप्त किया गया है। इनके सबसे ज्यादा फॉलोअर अनुसूचित जाति के लोग हैं। तो फिर किस बात का डर है जो भारद्वाज जी को सताया जा रहा है? भारद्वाज जी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं भेदभावपूर्वक कार्रवाई ना हो। भारद्वाज जी सच्चाई से बहुत दूर है। भारद्वाज जी सच्चाई से दूर है। मुसलमान इससे ज्यादा कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे, और आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा, शांति व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहेगी। अजय कुमार जी, जो बातें अभी पांडे जी की तरफ से कही जा रही हैं कि गोरखपुर में कोई दंगा नहीं हुआ, हालांकि तकरीबन पिछले 500 दंगे उत्तर प्रदेश में पिछले शासन में हुए, लेकिन गोरखपुर अछूता रहा, यह भी एक सच्चाई है, फिर ये क्यों इस बात का भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है? और कौन वो लोग हैं जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को खतरा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए, अब डर कर रहना होगा? ये बातें कहां से आ रही हैं? अक्षय जी, मैं बात वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां से भारद्वाज जी ने बात शुरू की थी जी। उन्होंने अपना पहला शब्द कहा था कि अब इस प्रदेश में ना तो सांप्रदायिक दंगे होंगे और ना अपराध होंगे, शुरुआती दौर में यही शब्द थे। अपराध करने वाले लोग हैं वो तो सरकार चला रहे हैं, अब दंगा और अपराध कौन करेगा? तो अब नहीं होंगे ना, फिर आपने यही कहा कि अब नहीं होंगे वाले और अपराध करने वाले नहीं होंगे तो मुख्यमंत्री मंत्री बन गए? नहीं भारद्वाज जी, जिस साइकिल की आप लोगों ने सवारी की है, सवाल आप लोगों ने उनसे नहीं किया था क्या? कह रहा हूँ, या आप लोगों के पास आंकड़े नहीं थे कि कितने मंत्री थे उसमें जिन पर दाग थे? पूरी सूची है मेरे पास, आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा कि कितने मंत्रियों पर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, और कितने मंत्रियों पर आरोप थे गुंडागर्दी करने के, कितने मंत्री ऐसे थे जिन पर गंभीर आरोप, हत्या की कोशिश तक के आरोप थे। अक्षय जी, मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कही थी, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई संप्रदाय नहीं होता। सर कैबिनेट में होता है क्या अपराधी? चोर है जो अपराधी, अपराधी कैबिनेट में होते हैं क्या? उसकी जगह सिर्फ जेल में है। जो लोगों ने गलत काम करा, भाजपा की सरकार पूरे मैंडेट के साथ आई है। भारद्वाज जी, मैं भाजपा की सरकार को चुनौती देता हूँ कि जिन लोगों ने गलत काम करा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो अपराध में लिप्त है, उनको जेल में भेजा जाए, लेकिन किसी निर्दोष के ऊपर बदले की भावना से कार्रवाई ना की जाए। नहीं, किसी विशेष क्यों लग रहा है आप लोगों को जो निर्दोष होगा उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई? भारद्वाज जी, सिर्फ ये मानने क्योंकि जिस तरीके से मैं नहीं कह रहा, भाजपा के लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में एक नारा शुरू करा है कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो मोदी का एजेंडा है, जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो उसके साथ चलेगा वो रह सकता है, और जो उसके खिलाफ होगा उसके लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं। भारद्वाज जी, नारे तो आप लोगों ने भी बुलंद किए, पहले आप लोगों ने कहा सत्ता
22 साल यूपी बेहाल, फिर आपने कहा यूपी को ये साथ पसंद है, तो नारे तो आप ही लोग गढ़ते हैं ना सर। ये मैं जो कह रहा हूँ कि जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने सांप्रदाय विशेष को ये डराने की कोशिश करी, लोगों में ये कह रहे हैं कि अगर भैया उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार जो योगी सरकार करेगी उसको मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानोगे तो उत्तर प्रदेश छोड़ने पे आपको मजबूर किया जाएगा। ठीक है अजय कुमार जी, पलायन किया कराया, ये स्थिति है क्या? तमाम बातें जो ठीक है, ये चिंताजनक है। ठीक है, इस पर चिंता करने की जरूरत है क्या जो भारद्वाज जी कह रहे हैं? अक्षय, मैं ऐसे क्षेत्र में लखनऊ में रहता हूं जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, चौक का पुराना एरिया, मैंने किसी मुस्लिम के चेहरे पर इस तरह की बात नहीं देखी कि अगर लखनऊ में रहना है या उत्तर प्रदेश में रहना है तो योगी योगी कहना, ऐसा कहीं नहीं है। अजय जी ना तो आपको नजर आएगा ना पांडे जी को नजर आएगा, पांडे जी ने खुद बता दिया कि 11 साल उन्होंने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ की नौकरी करी हुई है, आज रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद योगी आदित्यनाथ के गुणगान कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयां बता रहे हैं। अरे योगी आदित्यनाथ के उन बयानों को देख लीजिए जिससे सांप्रदायिक प्रसार हुआ है, जैसे सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, आप योगी आदित्यनाथ का कारनामा क्यों नहीं देखते? आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी पांडे जी, लेकिन सच्चाई जरूर बताइए, आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी योगी सरकार में, क्योंकि आपने 11 साल योगी की नौकरी करी है, लेकिन सच्चाई देश के लोगों के सामने लानी चाहिए। ठीक है, इसलिए वो इससे आगे समझ भी नहीं सकते। ठीक है, देखिए हमारी पोस्टिंग जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी, नौकरी तो आपने आदित्यनाथ की करी है 11 साल में, आपको पता है कौन लोग काम करते हैं, यही सोच राजनीतिक दलों की रह गई है क्या कि अधिकारियों पर भी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि सीधे कि आप तो उनके अंडर में काम करते हैं, अधिकारी सरकार का होता है ना सर, तोलती है। अरे अधिकारी अगर योगी आदित्यनाथ के स्पोक्स पर्सन की तरह बात करेंगे, सवाल उठाने का अधिकार नहीं है क्या? लोकतंत्र में अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार नहीं है क्या भरद्वाज जी? बात करेंगे सर, मुझे सर मुझे इस बात का जवाब दीजिए, सवाल आप कांग्रेस पार्टी से तालमेल रखते हैं यादव सिंह की, अगर आपकी सरकार है तो हम आपसे सवाल नहीं कर सकते हैं क्या? सवाल कीजिए, लेकिन जब अधिकारी कोई भी अधिकारी एक सरकार के प्रवक्ता की तरह बात करेगा तो फिर शंका उत्पन्न होती है। हरिशंकर पांडे जी से कोई दिक्कत नहीं है, हरिशंकर पांडे जी क्या कहना चाहेंगे सर संक्षेप में? वक्त की बेहद कमी है। ठीक है भरद्वाज जी, बात कर रहे हो भरद्वाज जी, ठीक है पांडे जी क्या कहेंगे? अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है, जब भी सरकार बदलती है तब इस तरह की परिस्थितियां होती हैं, ये उनके करीबी करीबी बनाने का मौका कौन देता है सर? देखिए करीबी बनाने के मौका तो राजनेता स्वयं देते हैं, और वो उनके स्वार्थ से प्रभावित होकर, उनके द्वारा किए गए स्वार्थों से प्रभावित होकर के वो उनके हो जाते हैं। जैसे हमने अभी कुछ उदाहरण दिए कि कतिपय ऐसे अफसर हैं जिनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया गया, कुछ आईएएस अफसर हैं जो एमडीएम घोटाले में शामिल हैं, उनका नाम भी हमारे पास है, वो सभी आईएएस अफसर डायरेक्ट आईएएस अफसर हैं, उसमें एक महिला आईएएस अफसर भी हैं, मैनपुरी में हुए एमडीएम घोटाले में सीबीआई ने उनको दोषी पाया, लेकिन उन दो आईएएस अफसरों को छोड़कर बाकी समाजवादी पार्टी की सरकार ने सभी नीचे के अधिकारी जो पीसीएस अधिकारी थे, पीसीएस से प्रमोटेड थे, उनको तो जेल भेज दिया, लेकिन वो दोनों आईएएस अधिकारी उनको जेल नहीं भेजा, तो वो इनके लायल नहीं होंगे तो किसके लायल होंगे? ठीक है सर, अब वक्त की बेहद कमी है सर, वक्त की बेहद कमी है, एक फाइनल कमेंट यहाँ पर अजय कुमार जी से जरूर लूंगा, क्योंकि अमित पुरी साहब की पार्टी को उनकी सरकार को बहुत काम करने की जरूरत है, जो वादे जनता से किए हैं वो वादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उनको पूरा करना जरूरी होगा क्योंकि आम जनता इस बात का इंतजार भी कर रही है। लेकिन अजय कुमार जी फाइनल कमेंट भी मैं आपसे चाहूंगा, और जैसा भी ब्यूरोक्रेसी का जिक्र कर रहे थे कि ब्यूरोक्रेसी आखिर किसके दबाव में काम करती है, क्या अमिताभ ठाकुर जैसे अधिकारी नजीर नहीं है? उनसे भारद्वाज जी को सबक नहीं लेना चाहिए? बहुत से ऐसे ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं है केवल अमिताभ ठाकुर जैसे, बहुत से लोग हैं जिनको, अब क्या उनकी गलती थी? मुलायम सिंह की बात उन्होंने टेप कर ली, किस तरह से मुकदमा उन पे दायर हुआ और केस विड्रॉ हुआ, ये सारी चीजें हैं, किस तरह के अधिकारी पंचम तल पे बिठाए जाते थे, उनका एक्सटेंशन किया जाता था, पंचम तल पर
दो दो साल के एक्सटेंशन के ऑफिसर्स बैठाए गए, और यही नहीं 50 अफसर ऐसे वहां से उठा करके उप लोकायुक्त बना दिया जाता। आप यादव के पास देखिए 50 अधिकारी आज ऐसे हैं जो एक्सटेंशन पर चल रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि वो यादव जाति के हैं। ठीक है सर, भारद्वाज ये सब चीजें बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन असल मुद्दा वही है कि जो आरोप इससे पहले सरकार में लगते रहे हैं वो आरोप इस नई सरकार पर ना लगे। सरकार को इस बात का बिल्कुल ख्याल रखना होगा क्योंकि वादा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, और इस वादे को पूरा करने के लिए लेकर फोकस भी नजर आ रहा है। लेकिन जो शंकाएं जन्म ले रही हैं उन शंकाओं का समाधान करना, उन्हें शांत करना भी सरकार की प्राथमिकता है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।